पौने तीन के आसपास जाटों की वोट है और पूरा विरोध है मनोहर लाल जी का। मनोहर जी की कलम में हमारे जाटों के नाम की स्याही बहुत ज्यादा कड़ी थी। हमारे साथ जो है छत्तीस बिरादरी लगेगी, ब्राह्मण समाज जो है आज बीजेपी से खिलाफ है, मनोहर लाल जी ने कहे गर्दन काट देंगे। उधर आपने तो रंजीत सिंह चौटाला जी का बयान सुना, उन्होंने गलत बयान दिया, तो हम यहाँ मजबूत स्थिति से खड़े हैं। ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ देगा, राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से खिलाफ है, कांग्रेस ने वीरेंद्र राठौर को टिकट नहीं दी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहा था अगर कांग्रेस को अगर मनोहर लाल जी की PhD पढ़नी है तो उम्मीदवार जो है यहीं का देना था, यहीं का, वो दिया ही नहीं। तो ये लोग देखेंगे कि PhD कौन पाड़ेगा, मैं पाड़ूंगा इसकी PhD जनता के साथ सहयोग से। कल खट्टर साहब का करनाल में जबरदस्त विरोध हुआ, जहां जहां वो गांव में जा रहे हैं लोग जो है विरोध कर रहे हैं, किसान जो है काले झंडे दिखा रहे हैं। मेरे साथ JJP के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह कादियान, उनसे बातचीत करते हैं। कल विरोध हुआ खट्टर साहब का बहुत ज़्यादा, किसान ये कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, केंद्र का मामला था और अब जो है हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, क्या कहेंगे? देखिए ठीक बात है उनकी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनको जाने देना चाहिए था, पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वहाँ रास्ता रोकने का, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के बैठे हुए अधिकारियों ने जो उनको जाने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, उनको जाने देना चाहिए था और वो आगे जाते, दिल्ली में कहीं बैठते, हमारे हरियाणा से निकल जाते तो अच्छी बात। अभी मैं आपकी सुन रहा था, टोल को लेकर अभी आप एग्रेसिव हैं कि मेरे को बना दो, मैं टोल हटा दूंगा, क्या समीकरण लेकर आप चुनाव जीतने की सोच रहे हैं, किस तरह चुनाव जीतेंगे? क्योंकि पंजाबी बैकवर्ड OBC कई जो जातियां हैं और आप जाट समुदाय से आते हैं, कैसे समीकरण और टोल वाला मुद्दा कैसे? देखिए मैं सबसे पहले तो आपको टोल की बात बताता हूँ। टोल जो है आज जो है इसको 15 साल के करीब होने वाले, और मैं समझता हूँ कि इतना लंबा टोल कहीं चलता नहीं, ये कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है इस ज़िले के साथ। इतना लंबा टोल पहले भी करनाल लगा था, वो कितने जल्दी वहाँ से उठाने का काम किया, तो ये उठ सकता है, इसको तो दबाया जा रहा, फाइलों में दबाया जा रहा, नहीं तो ये तो कई साल पहले उठ जाता। हम जब बनेंगे, हम जब लगेंगे इस काम पर, तो हम निश्चित तौर पर इसको यहाँ से उठाने का काम करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि हम किस समीकरण के तहत जो है चाहते हैं कि वह जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3.5 के आसपास जाटों की वोट है और पूरा विरोध है मनोहर लाल जी का। मनोहर जी की कलम में हमारे जाटों के नाम की स्याही बहुत ज़्यादा कड़ी थी, वही अटकाले था। हम भी कहते थे, दुष्यंत जी भी कहते थे, सर ये क्या कर रहे हो, नहीं नहीं करेंगे करेंगे करेंगे, आज तक जो है उनकी स्याही नहीं ठीक हो पाई। हम इस स्याही को ठीक करने का काम करेंगे, दुष्यंत जी को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, हमारे साथ जो है 36 बिरादरी लगेगी, ब्राह्मण समाज जो है आज बीजेपी से खिलाफ है, मनोहर लाल जी ने कहे गर्दन काट देंगे। उधर आपने तो रंजीत सिंह चौटाला जी का बयान सुना, उन्होंने गलत बयान दिया ब्राह्मण समाज के लिए, कांग्रेस ने जो है टिकट नहीं दी ब्राह्मण समाज को, जो ब्राह्मण सीट जो करनाल लोकसभा को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी है इन दोनों पार्टियों से और वो विकल्प चाहते हैं कि कौन अच्छा और उनके बीच का और मजबूत साथी जो है उनके साथ है। तो हम यहाँ मजबूत स्थिति से खड़े हैं, ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ देगा, राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से खिलाफ है, कांग्रेस ने वीरेंद्र राठौर को टिकट नहीं दी, वो नाराज है, कहीं ना कहीं वो भी जो है ना बीजेपी को देंगे ना कांग्रेस को देंगे, वो भी तीसरा विकल्प ढूंढने के प्रयास पे है, तो वो भी हमें जो है वोट देने का काम करेंगे। देवेंद्र कादियान के सामने कौन है मजबूत, किसको मजबूत मानकर जो चुनाव? देखिए आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का यहाँ से MP है, हम समझते हैं कि बीजेपी का और हमारा सीधा मुकाबला है और हम जो है निश्चित तौर पर बीजेपी को हराने का काम करेंगे। कई साथी कहते हैं कि जी कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट है, कांग्रेस का देगा, कहाँ है मजबूत? अगर मजबूत देना होता, मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से कहा था अगर कांग्रेस को अगर मनोहर लाल जी की PhD पढ़नी है तो
तो उम्मीदवार जो है यहीं का देना था, यहीं का, वो दिया ही नहीं। तो ये लोग देखेंगे कि पीएचडी कौन पाड़ेगा, मैं पाड़ूंगा इसकी पीएचडी जनता के साथ सहयोग से। करनाल लोकसभा की जनता अगर मेरे साथ देगी, सहयोग करेगी, तो इसकी पीएचडी मैं पाड़ूंगा। संजय भाटिया जी भी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन एंड टाइम उनकी टिकट काट दी, 6.5 लाख वोटों से जीते हैं। बीजेपी का संजय भाटिया को टिकट ना देना, आप राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि वो जो है संजय भाटिया संगठन के आदमी है, वो संगठन पर ज़्यादा उनका ध्यान था। लोकसभा में पार्टी ने उनको टिकट दी, वो चुनाव जीते, बड़ी भारी मतों से जीते, तो वो संगठन पर उनको ज़्यादा लगा रखा, इसलिए वो यहाँ से मेरे ख्याल से दूर थे। और जो है उनको लोगों में जो था एक एग्रेशन था कि भाई हमारा एमपी हमसे मिलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनके टिकट को बदला गया होगा। अभी समय थोड़ा है आपके पास, 25 तारीख तो आ गई, 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाते हैं, कैसे जो है आपने सेटिंग बिठाई है, कैसे प्रचार करेंगे, हर गांव तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? उसका हमने मास्टर प्लान बनाया है कि हम जो हैं ग्रामीण संभालखा इसराणा शहर और जो है घरुंडा असंध, यहाँ हम जो है गांव में जाके प्रचार करेंगे। उसके साथ साथ जो है हमारी जो टीम है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं बृज शर्मा जी, वो जो है कई हलकों में घूमने का काम करेंगे, उनके साथ कहीं मैं जाऊंगा, कहीं वो जाएंगे, क्योंकि समय कम है। टिकट जो है हमारा ये था कि कांग्रेस अगर किसी अच्छे उम्मीदवार को दे तो हम इस पर विचार करते, उन्होंने दिया ही डम्मी कैंडिडेट, तो क्या करते। तो मजबूरन जो है हमें जो है मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ा ताकि हम मनोहर लाल खट्टर जी को हरा सके। अच्छा, नामांकन को भरने जा रहे हैं, उसके लिए आपने लगाई है ड्यूटी? आज जो है जननायक जनता पार्टी जिला पानीपत का कार्यालय का जाटल रोड पे ऑफिस का उद्घाटन था, आदरणीय बृज शर्मा जी ने उनको उद्घाटन किया, और आज हमने तय किया कि 4 तारीख को 10 बजे हम टोल के पानीपत टोल से चलेंगे, और जो है 12 बजे तक जो है हम करनाल पहुंचेंगे। वहां आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और आदरणीय बृज शर्मा जी प्रदेशाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम जो है फार्म भरने का काम करेंगे, और बड़ी मजबूती से दल बल के साथ, हजारों मोटरसाइकिलों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ हम बड़ी मजबूती से अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। अच्छा, आप 2 शब्द बोले जी, कैसे जो है नैया पार लगवाएंगे? नैया पार के काम के उस पर लगेगी, हम जब भी चौधरी सतबीर सिंह जी कादियान जी के साथ रहेंगे, पिताजी स्पीकर भी रहे हैं, इफको के चेयरमैन भी रहे हैं, 3 बार विधायक भी रहे हैं, वो पानीपत की हर चीज़ से अवगत थे। जो ये नाला बनाया है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर सतबीर सिंह कादियान ने कह करके बनवाया था, जो ये ओवरब्रिज बनवाया पानीपत का जो सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, ये भी कादियान साहब ने ही यहाँ मिलिट्री की ज़मीन दे करके, और वहाँ अम्बाला में मिलिट्री जमीन दी, सेक्रेटरी भी उन्होंने बनवाया था, कादियान साहब ने उसका पत्थर लगवाया था, और ये जो पुल है ये भी सतबीर सिंह कादियान ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बनवाया था। इस सरकार में कोई नया काम इस सरकार में नहीं बने हैं, 9.5 साल की सरकार इनकी होगी, 10 की उसकी, हम 10 ML लेकर के, कुसुम जी हम 10 ML लेकर के शरीक थे, और 10 ML और उनके 30, इसके रेशो में हमारी 3 टिकट बनती है, हमने तो 2 मांगी थी, 1 भी मांगी उससे भी ना करके, और शाम रात को ही मनोहर लाल खट्टर जी का रिजाइन करा दिया। जब चीफ मिनिस्टर का रिजाइन हो जाता है तो ऑटोमेटिक मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है सारा, और हमारे को ये भी नहीं कहा कि आप भी टिकट लो, लड़ाई लड़ो, हमने 2 सीट मांगी, फिर 1 मांगी, हमने फिर ये कहा कि 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दो, हम 1 सीट पर भी लड़ेंगे, वो भी नहीं माननी, सुबह बता देंगे, और सुबह तो बस सरकार ही गिरा दी, कोई ना कोई आरोप लगा करके तो सरकार गिरानी चाहिए थी। हम किसके बीच में, हम जनता के बीच में ये मुद्दे लेकर के जा रहे हैं कि भाई हमारा खोट था 4.5 साल दुष्यंत चौटाला जी दिन रात, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे दिल्ली है, चाहे सिरसा है, जनता को मिलते थे। आप जनता तराई तराई कर रही है, आज किसान मंडियों में बुरा हाल है, सरसों नहीं बिकी लोगों की, दूसरों के कार्डों में सरसों बेची है लोगों ने, जाकर मंडियों में पूछिए। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हर एक मुद्दा हमारे पास है, हम वोट लेंगे, और हमारे कह रहे हैं वोट काटू, हम वोट काटू नहीं, वोट खेंचू हैं, जो हमसे नाराज होंगे उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, मनाएंगे, लोगों को के बीच में जाएंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, और भाई की साफ छवि है, काम कराता है, दिन रात इनके पास भीड़ रहती है पूरी, ये लोकल है। चलिए, ये समीकरण समझा रहे हैं कादियान साहब किस तरह ये चुनाव मैदान में जाएंगे, किस तरह जीतेंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अब मुकाबला जो है अब अच्छा होने वाला है, और इस राजनीति में अब देखने लायक होगा कि कौन जो है बाजी मारेगा। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।